पुलवामा हमले में शहीद जवानों को याद किया गांव के युवाओं ने। ग्राम अंधारवड़ में 14 फरवरी 2019 के दिन हुए पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए भारत माँ के वीर सपूतों को सत सत नमन व विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम जैसे नारे फौजियों के सम्मान में लगाए गए। आज की युवा पीढ़ी जहां वैलेंटाइन डे दिवस मना रही है, वहीं ग्राम अंधारवड़ में युवाओं द्वारा हमले में शहीद जवानों को याद कर मोमबत्ती जलाकर 5 मिनट का मौन धारण कर शोध प्रकट किया, जिसमें मंडल उपाध्यक्ष कांजू गमार, मान्या बारिया, इंद्र सिंह सिंगाड़, दरकास गड़ावा, सुरपा वारिया, विजयपाल, सजल सिंगाड़, गोपाल पाल, नगर सिंगाड़ आदि उपस्थित रहे। पुलवामा देश पर होने वाला सबसे बड़ा हमला था, जो कि 14 फरवरी 2019 को जब देश दुनिया वैलेंटाइन डे मनाने में व्यस्त थी, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि हमारे देश के जवानों पर आफत आएगी। उसी दिन करीब 3:30 बजे शाम को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2500 जवानों को लेकर जा रही 78 बसों के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें हमारे देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। आज पुलवामा हमले की दूसरी वर्षी है। उस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों ने शहादत दी थी। 76वीं बटालियन की बस से आरडीएक्स से भरी कार टकरा दी गई थी, जिससे काफी बड़ा विस्फोट धमाका हुआ और धमाका इतना तगड़ा था कि पल भर में बस के पर खच्चे उड़ गए और जम्मू कश्मीर हाईवे पर 100 मीटर के दायरे में बिखरे छत बिक्षत शवों की तस्वीर किरचों की तरह बिखरी हुई थी। हर किसी के दिलो दिमाग को दहला दिया था इन पुलवामा की तस्वीरों ने। आज भी काफी दुख व्यक्त होता है। योगेश चौहान, राणापुर। भारत माता की जय। भारत माता की जय।